वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को. आप सभी का प्रियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ, मैथ्स का एक ज्योमेट्री का एक सवाल लेके आई हूँ, पैरेललोग्राम. आज की वीडियो के बाद आप ये नहीं बोल सको कि भाई हमें पैरेललोग्राम नहीं आता. एक ही वीडियो के अंदर आप पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, पूरी प्रॉपर्टीज आपको एक ही वीडियो में सिखाऊंगी जो आपके एग्जाम में हर एक सवाल में अप्लाई होती है. आओ देखते हैं. आज ये हमारी पांचवी क्लास है, अभी तक चार क्लास हो चुकी है. अगर आपने नहीं देखी हो तो अभी देख सकते हैं. आप सभी लोग केवल मात्र मात्र एक मिनट में हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं इस क्लास के अंदर. सुबह 9 बजे डेली क्लास चलती है, सुबह मॉर्निंग में 9 AM. अगर आप नहीं देख पाए हैं अभी तक तो जरूर देखिएगा इस क्लास को, और अगर पसंद आए तो आप सभी इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. ठीक है, अब देखते हैं पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज. क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं. सभी ने देखा होगा पैरेललोग्राम को इस प्रकार से होते हैं. अब देखते हैं पैरेललोग्राम में ऐसी क्या खास बातें होती हैं जो एग्जाम में आती हैं, बार बार सवालों में पूछी जाती हैं. जल्द देखते हैं. पहली चीज जो पैरेललोग्राम में मेनली जो देखी जाती है वो है इसकी विपरीत जो भुजाएं होती हैं, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. ये बराबर भी होती है विपरीत और पैरेलल भी होती है. ये तो पहली चीज है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है. दूसरा क्या है? अपोजिट एंगल, जो विपरीत एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं. दूसरा क्या है? विपरीत जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे और इक्वल होंगे, मतलब बराबर इक्वल होंगे. ये हो गई विपरीत चीजों की बातें. पहली चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज क्या होती है? अगल बगल का सम, इन दोनों का सम, जैसे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होता है? 180 के बराबर होता है. ये बात ध्यान दीजिएगा, एंगल ए और एंगल बी आपका 180 के बराबर होते हैं, ये बात का ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ये हो गया कोई दूसरी चीज. तीसरी चीज क्या है? ये इसका जो विकर्ण है, इसका डायगोनल है या विकर्ण मान लीजिए, विकर्ण जो है बाइसेक्ट करता है, दो भाजित करता है, मतलब ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है. आई बस समझ में? ये हो गया कोई तीसरी चीज, जिसका विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो विभाजित करता है. 90 डिग्री पे करेगा नहीं करेगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन केवल ये बोल सकते हैं कि ये विभाजित करता है. इस बात को ध्यान दीजिए. 90 डिग्री के बारे में हम नहीं बोल सकते, इस बात को ध्यान दीजिएगा. ठीक है, दूसरी चीज है, चौथी चीज है इसका एरिया निकालना. एरिया बहुत पूछा जाता है, एरिया निकालना. इसका एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट. बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई. दूसरा क्या है? साइन थीटा के एंगल से. अगर हमें एंगल पता है तो इन दोनों को साइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय थीटा, साइन थीटा. इससे ये दो तरीके हैं इसका एंगल निकालने के, वो इसका एरिया निकालने के लिए. पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको शायद नहीं पता होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? अगर हमें डायगनल और साइड में रिलेशन पता लगाना है, अगर हमें डायगोनल और साइड में रिलेशन पता लगाना है तो हमें क्या करना होगा पता है? सारी साइड के सम का स्क्वायर, मतलब जैसे मान लीजिए ये एबी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, सीडी का स्क्वायर और डीसी का स्क्वायर, मतलब सारी साइड के सम का स्क्वायर किसके बराबर होता है? डायगोनल्स के स्क्वायर के बराबर होता है. ये आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगी, बहुत काम. इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. एक छठी प्रॉपर्टी और भी है, एक सिक्स प्रॉपर्टी है, वो भी बहुत काम आती है. जो डायगोनल्स आपको बराबर विभाजित करते हैं, ये इक्वल एंगल में भी विभाजित करते हैं, इक्वल एरिया में विभाजित करते हैं. इक्वल एरिया होता है, जो डायगोनल्स काटते हैं ये बराबर के एरिया में काटते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये दो है जो आपके बार बार क्वेश्चन में काम आने वाली है. तो ये केवल 6 प्रॉपर्टी होती है आपके पैरेललोग्राम की जो आपको पता होने चाहिए. जब भी किसी पैरेललोग्राम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यही 6 प्रॉपर्टी बार बार आपके इस्तेमाल होगी. अपोजिट वाली बराबर हो, पैरेलल है, अपोजिट बराबर और पैरेलल होंगी. एंगल भी विपरीत वाले बराबर होंगे. डायगोनल विभाजित करेंगे, केवल विभाजित करेंगे. एरिया निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके एरिया निकालने के. अगली चीज क्या थी इंपॉर्टेंट? कि इसके सारे साइड्स का स्क्वायर किसके बराबर है? डायगोनल्स के बराबर है. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. आखिरी बात ये है कि इसका जो डायगोनल से विभाजित करते हैं वो इक्वल एरिया में भी विभाजित करते हैं.
ये साइड को विभाजित तो करते ही करते हैं, प्लस ये इक्वल एरिया में विभाजित करते हैं। आई थिंक आपको पैरेललोग्राम का पूरा कंसेप्ट कि पैरेललोग्राम में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको एक ही काम समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह की मैं आपको एक एक मिनट की वीडियोस लेके आती रहूंगी, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी क्लासेस के अंदर पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आपका, मात्र छोटी छोटी चीजों के अंदर। तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये मैथ्स का पहला सेशन था कैसा लगा, ठीक है। बाय बाय।